हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। ये है आपकी अभ्यास सीरीज जिसमें हम यूपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन ईयर 2022 में आया हुआ ज्योग्राफी सेक्शन से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि दक्कन ट्राइब की प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं की चर्चा कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है, जिसमें आपको दक्कन ट्राइब की प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं के बारे में चर्चा करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो जो दक्कन ट्रैप है वह पश्चिमी मध्य भारत में स्थित मोटी बेसाल्टिक चट्टानों का एक बड़ा क्षेत्र है और ये पृथ्वी के इतिहास में सबसे बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों में से भी एक है। अगर हम दक्कन ट्रैप में उपस्थित हिस्सों की बात करें तो इसमें पश्चिमी प्रायद्वीपीय भारत के महत्वपूर्ण हिस्से आते हैं, जिसमें महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और दक्षिणी राजस्थान तक ये विस्तृत है। इसके अंतर्गत हम एक छोटा सा मैप बनाकर भी दक्कन ट्राइब की पोजीशन को दर्शा सकते हैं, जिसमें हम गुजरात, दक्षिणी राजस्थान, महाराष्ट्र और जो कर्नाटक वाला जो इलाका है उसको इसके अंतर्गत दर्शाया जा सकता है। इसके बाद हम देख लेते हैं दक्कन ट्राइब में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। इसमें जो महत्वपूर्ण संसाधन है, यहाँ पर पाई जाने वाली इसकी मिट्टी और चट्टाने हैं, क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है जिसे रेगुर मिट्टी या काली कपास मिट्टी के रूप में जाना जाता है। इस मिट्टी के अंतर्गत लोहा, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम से भरपूर होती है। साथ ही साथ इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों का अभाव होता है। साथ ही साथ काली मिट्टी के अंतर्गत मुख्य रूप से कपास, दालें, बाजरा, तंबाकू और गन्ने की खेती की जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राचीन गुफा मंदिरों के जो कई स्थान हैं उसको दक्कन के बेसल से उकेरा गया है, और जिसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है मुंबई का एक छोटा द्वीप एलिफेंटा गुफा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पाए जाने वाले अलोह खनिज के बारे में। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है बॉक्साइट, जो इसमें भारत के जो बॉक्साइट के भंडार हैं वह भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफी ज्यादा पर्याप्त हैं। इसके अलावा ये जो पाए जाते हैं बॉक्साइट के भंडार दक्कन ट्राइब के अंतर्गत झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु और गोवा में इसके प्रमुख भंडार पाए जाते हैं। इसके साथ ही इसमें जो अलोह खनिज की अगर हम बात करें तो सोना भी यहाँ पर पाया जाता है, जो कर्नाटक की जो हट्टी माइंस है वे दक्कन ट्राइब के अंतर्गत ही आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें लोह खनिज की तो भारत में जो लोह के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं जो कि एशिया में सबसे ज्यादा बड़े हैं। इसमें जो दक्कन ट्राइब के अंतर्गत जो महाराष्ट्र एवं गोवा है वे महत्वपूर्ण उत्पादक के रूप में इसमें उभर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें भूतापीय ऊर्जा की तो जो ज्वालामुखी दक्कन ट्राइब है उसके जो पश्चिमी किनारे हैं जिसमें पश्चिमी घाट भी आता है उसमें कई गर्म झरनों की उपस्थिति है, यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा की संभावना ये बढ़ा देते हैं। इसके अलावा ये भूजल संसाधन की क्षमता को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि ये जो दक्कन ट्राइब की जो पुरानी चट्टाने हैं उनमें पानी के लिए सिंक्लाइन हो जाता है, ऐसे में यहाँ पर जो पानी जमा हो जाता है और जिसके कारण से इस क्षमता को हम अन्वेषित करने के लिए जल जीवन मिशन भी चला रहे हैं। तो ये हमने बात की दक्कन ट्राइब में प्राकृतिक संसाधनों की संभावनाओं के बारे में। अगर हम इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में बात करें तो जो दक्कन ट्राइब है वह आर्थिक एवं वैश्विक ट्रेड के संदर्भ में अगर हम बात करें तो वह काफी अधिक महत्वपूर्ण संसाधन की प्राप्ति कराने में सक्षम है, जो कि आर्थिक रूप से भारत की समृद्धि का कारण बन सकता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 1 का 2022 में आया हुआ ज्योग्राफी सेक्शन से। इसी तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी मास सीरीज फॉलो कर सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ इसके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।